नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कविता एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी दिवस पर एक शानदार भाषण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे हिंदी दिवस पर आप एक अच्छा भाषण तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक शायरी है जिसमें है मैंने सपने बुने, जिससे जुड़ी है मेरी आशा, जिससे है मुझे पहचान मिली, वो है मेरी अपनी हिंदी भाषा। इस तरह से जब आप एक अच्छी सी शायरी के साथ अपने भाषण की शुरुआत करेंगे तो वो बहुत ही शानदार होगा। उसके बाद अभिवादन में आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सभा में उपस्थित सभी सम्मानित जन, यों मेरे प्यारे भाइयों यों बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से हम हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए पूरी सभा के सामने अपना आई कांटेक्ट बना के रखेंगे और फिर अपने भाषण की शुरुआत करेंगे। मैं आस्था शर्मा, आप यहाँ पर अपना नाम बोल सकते हैं, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। ये भी एक तरह की एक औपचारिकता होती है किसी भी भाषण की शुरुआत करने से पहले। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहने के साथ साथ उसे राजभाषा बनाने को कहा था। स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 में इस प्रकार वर्णित है, कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार राजेंद्र सिंह
का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात को लोगों के समक्ष रखना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। आजकल अत्यधिक लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। इससे लगता है कि अपनी मातृभाषा हिंदी धीरे धीरे विलुप्त ना हो जाए। इसीलिए हम सभी को अपने छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा अपनी मातृभाषा हिंदी को अपने जीवन में एक अनिवार्य स्थान देना चाहिए। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारी सरकारें भी हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए हिंदी दिवस पर पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का उपयोग करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार आदि हैं। आज हम सभी को एकजुट होकर या शपथ लेने की आवश्यकता है कि हम हमेशा अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे और हिंदी के विकास को नए आयाम तक पहुंचाएंगे। और अंत में मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगी कि
यहाँ पर एक और शायरी के साथ अपने भाषण का अंत करेंगे और अंत में सभी को धन्यवाद कहेंगे। हमारी अखंडता में एकता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी हमारी जुबान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसा कहकर अपने भाषण का अंत करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।